फ्रेंड्स, एनएमडीसी के शेयर होल्डर के लिए अगले आने वाले 6 से 8 महीने बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। और अभी ये जो 185 रुपये वाला शेयर है, वो मेरा ऐसा मानना है कि 6 से 8 महीने में आराम से 300 रुपये होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज मैं इसकी चौथे क्वार्टर की अर्निंग कॉल पढ़ रहा था, वहाँ पर मुझे 3 बहुत ही खास न्यूज़ हाथ लगी जो कि रिटेल ट्रेडरों के पास नॉर्मली नहीं पहुंचती। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सभी रिटेल भाइयों को इस न्यूज़ को जानना चाहिए। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि फ्रेंड्स, अभी पूरे बाज़ार में ये चर्चा चल रही है कि जो ये स्टील सेक्टर में हमें प्राइस इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है, तो क्या ये प्राइस सस्टेन हो पाएगा? तो यहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक आया। और इसके अलावा एनएमडीसी ने 21,000 करोड़ के खर्चे से एक स्टील प्लांट लगवाया है, तो वहाँ से अब प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। तो ये तो और भी पॉजिटिव न्यूज़ मुझे लगी। और इससे भी बड़ी बात ये लगी कि फ्रेंड्स, वो स्टील प्लांट का डीमर्जर होगा, तो उस वक्त इस शेयर में आग लगने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आज ही इसके जून महीने के प्रोडक्शन डेटा है। तो सभी को पता है एनएमडीसी आयरन ओर का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जो स्टील बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है उसका काम करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, प्रोडक्शन डेटा भी है और सेल्स डेटा भी है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन डेटा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में से जो पिछले साल 1.86 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था, वो बढ़कर 1.94 मिलियन टन हो गया। और कर्नाटका में जो 0.66 टन था, वो बढ़कर 1 मिलियन टन से भी पार पहुंच गया। तो ओवरऑल यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है। और सेल्स की बात करें तो पिछली बार जून महीने में जो छत्तीसगढ़ में 1.83 मिलियन टन का सेल्स था, उसके सामने 2.22 मिलियन टन का सेल्स इस बार आया है। और कर्नाटका में जो पिछली बार 0.65 मिलियन टन का सेल्स था, वो बढ़कर 0.96 मिलियन टन का रहे। तो यहाँ पर साल दर साल देखें तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये जो प्राइस है वो सस्टेन हो पाएगी या नहीं। तो एनएमडीसी का ऐसा कहना है कि ये जो प्राइस अभी हुआ है 4,699 चौथे क्वार्टर्स में, वो फ्रेंड्स FY 2011 में यानी कि 10 साल पहले इतने अच्छे प्राइस थे। तो ये 10 साल बाद वापस यहाँ पर प्राइस आया। और अब बात ये होती है कि ये टिक पाएगा तो 100% ये सभी कंपनियाँ अच्छा मुनाफा कमाने वाले। तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि अभी जो भी स्टील कंपनियाँ हैं वो अपना जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रही, यानी कि आयरन ओर की और ज़रूरत होगी। तो इस वजह से मैनेजमेंट को तो ऐसा लगता है कि अगले आने वाले दिनों में और भी थोड़ी सी प्राइस में बढ़त आ सकती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन हो सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार न्यूज़ है क्योंकि इसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही शानदार रहने वाली है। और मैनेजमेंट का ये भी कहना था कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मॉनसून की वजह से अगर स्टील की डिमांड घटे तो प्राइस में कुछ करेक्शन आ सकते हैं, मगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार एनवायरनमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अब बात करें स्टील प्लांट की, तो इसका स्टील का प्लांट तीसरे क्वार्टर में शुरू होने का अनुमान है। तो वहां से जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो बहुत ही शानदार इस शेयर में रैली देखने का अनुमान है मुझे। और इसके अलावा जनवरी फरवरी में यहाँ पर ये डीमर्जर हो सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना था। तो डीमर्जर के वक्त भी इस शेयर में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जिसके पास ये शेयर है वो डेफिनेटली इसको होल्ड करे, नहीं है वो बाय कर सके, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इसलिए अच्छे यहाँ पर मुझे रिस्क बहुत ही कम लगता है और अगले आने वाले दिनों में बड़े बड़े डेवलपमेंट की वजह से इस शेयर में बहुत ही अच्छी तेज़ी होने की उम्मीद है।